I am Supreet. I am Pavan. And we have a passion for traveling. We are the traveling couple. पेरिस के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन था ब्रसल्स। हम निकले अपने होस्टल से जो बिल्कुल गारे द नॉट रेलवे स्टेशन के बगल में था और ये फोर व्हील सूटकेसेस का फायदा आराम से कैरी कर सकते हैं। हम पहुंचे रेलवे स्टेशन क्योंकि हमारा अगला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हमने चूज किया था वो था बुलेट ट्रेन। और ये आपके सामने खड़ी है सुपर फास्ट ट्रेन जो हमें लेके जाएगी ब्रसल्स। इसका नाम है थैलिस। ये 7:30 बजे चलेगी और 9 बजे पहुंच जाएगी। हमने पर्टिकुलरली ये टाइम चूज किया ताकि हम पूरा दिन पेरिस में घूम सकें, इस टाइम पे ट्रैवल करें, रात को सो जाएं, अगले दिन फ्रेश होके हम ब्रसल्स घूम सकें। हमारी इस बुलेट ट्रेन का नाम था थैलिस, जिसे यहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन भी कहते हैं। पेरिस से ब्रसल्स तक का रास्ता 400 किलोमीटर का है और आपके पास ये ट्रैवल करने के लिए 3 ऑप्शन है। पहला बाय रोड, जिसमें आप बाय बस जा सकते हैं। टिकट सिर्फ 10 यूरो तक भी मिल जाती है, लेकिन 4 घंटे तक लगते हैं। फॉरेन टूर पे जब आपने इतने पैसे खर्च किए, आई डेंट वॉन्ट टू वेस्ट एक भी घंटा दिन का, सो हमने ये चूज नहीं किया। ऑफ कोर्स फास्ट पहुंचने के लिए दूसरा ऑप्शन है आपके पास बाय एयर, पर टिकट बहुत महंगी होती है, लगभग 110 से 150 यूरो की, प्लस वेट की रेस्ट्रिक्शन। इंटरनेशनल फ्लाइट में आप ज्यादा वेट कैरी करके ले जाते हैं, लेकिन डोमेस्टिक फ्लाइट में आप वेट कम कैरी कर सकते हैं, तो हमें ये भी सूट नहीं किया। तो अब पहुंचे ट्रेन पे। ट्रेन की टिकट्स लगभग 30 से 40 यूरो की होती है। नॉर्मल ट्रेन 2.5 से 3 घंटे तक लेती है, लेकिन थैलिस है बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन, जो आपको सिर्फ 1.5 घंटे में पहुंचा देती है। पर इसकी अगर आप टिकट अगले दिन की लेंगे या अगले हफ्ते की लेंगे, ये पड़ेगी 110 यूरो की टिकट। और अगर आपने 2 महीने पहले बुकिंग की जैसा हमने किया था, तो ये 30 यूरो में भी मिल जाती है। थैलिस ट्रेन में 3 क्लासेस हैं ट्रैवल करने के लिए, स्टैंडर्ड, कंफर्ट और प्रीमियम। स्टैंडर्ड हमारी बिल्कुल शताब्दी जैसी चेयर्स हैं और यूएसबी चार्जिंग पॉइंट है। और कंफर्ट में 10 यूरो टिकट एक्स्ट्रा है, पर उसमें एक लाइट सा मील मिलता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक रॉयल ट्रीटमेंट, तो आपकी टिकट 40 यूरो एक्स्ट्रा होगी, पर आपको मिलेंगी खुली खुली सीटें, टैक्सी सर्विस, गोरमे डिनर, वाइन, वाह वाह। थैलिस का 1.5 घंटे का सफर यूं चुटकियों में ही बीत गया, क्योंकि थैलिस पे वाईफाई था। हमने उसका इस्तेमाल करके घर पे वीडियो कॉल्स की और साथ में फोटोग्राफ्स भी दिन भर की भेजी। और थैलिस अब चल रही है अपनी फुल स्पीड पर, जो कि है 250 किलोमीटर पर आवर। ब्रसल्स में हम रुके एक एयरबीएनबी में, और एयरबीएनबी सेलेक्ट करते समय हमने कुछ बातों का ध्यान रखा, जैसे कि वो रेलवे स्टेशन के पास हो, वाईफाई हो, किचन हो, माइक्रोवेव हो, फ्रिज हो, और सबसे इम्पोर्टेंट वॉशिंग मशीन हो, बिकॉज इतने लंबे सफर में आपके कपड़े मैले होंगे और वो आपको धोने तो पड़ेंगे। हमारा ब्रसल्स का एयरबीएनबी बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे था रेलवे स्टेशन से। हमारे होस्ट बहुत ही वार्म और वेलकमिंग थे। हमारा कमरा इतना ह्यूज और वेल लिट था कि उसका फायदा उठाते हुए हमने अपने धुले हुए कपड़े भी कमरे में ही सुखा लिए। ओवरऑल अपने ट्रिप पे हमने एयरबीएनबी को प्रेफर किया, क्योंकि इनके होटल्स और हॉस्टल के कमरे बड़े और खुले होते हैं। यहाँ पे किचन अवेलेबल होता है, जहाँ की आप अपने मील्स बना सकते हैं। अगर मील्स नहीं बनाना चाहते हैं, तो भी आपके माइक्रोवेव्स अवेलेबल होते हैं, जहाँ की आप रेडी टू ईट मटेरियल गर्म कर सकते हैं। प्लस आपको लोकल से मिलने का मौका मिलता है, उनके कल्चर और लाइफस्टाइल को समझने का मौका मिलता है। फॉरेन आके भी काम ही करता है, चिकन ना देखो परांठे बना रही हूँ। एयरबीएनबी का एक और फायदा है कि इसकी बुकिंग्स आर कंप्लीटली रिफंडेबल। एक जो लोती प्रॉब्लम आई इस एयरबीएनबी में, हमने फिल्टर डाले वॉशिंग मशीन के, माइक्रोवेव के, किचन के, बट ये लिफ्ट का नहीं डाला। ये एयरबीएनबी 3rd फ्लोर पे था और लिफ्ट नहीं थी। सो अटैचियां आपने देखा हमारी, काफी बड़ी बड़ी अटैचियां थी, भारी थी। उसको ऊपर ले जाना, नीचे लाना, एंट्री एज वेल एज एग्जिट के टाइम पे, वो थोड़ा सा कष्ट हुआ। सो मे बी आगे से हमें एयरबीएनबी में लिफ्ट वाला फिल्टर भी डालना चाहिए। मैंने ध्यान नहीं रखा, आप ध्यान रखिएगा।
अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।